कई बार भूल जाते हैं कि शिक्षाएं क्या हैं लाइफ के लिए, जीवन को कैसे अच्छे ढंग से जिए, क्या उसका सही मार्ग है, क्या रास्ता है। हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो लोग आए, जीवन निभाया, परेशान हुए, दुखी हुए, परेशान हुए, बीमारियां लगी और एक दिन चले गए। हमें लगता है यही जीवन का सार है, पैदा हो जाओ, संघर्ष करो। ऑटो के पीछे भी लिखा होता है जीवन एक संघर्ष है, तो लोगों को लगता है संघर्ष ही करना है। तो इस प्रकार संघर्ष करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कब बाल सफेद हुए, कब इतनी बीमारियां लग गई, कब हॉस्पिटल के चक्कर लगाए और एक दिन चले गए। लेकिन जीवन पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए और इस प्रकार बार बार मरने के लिए नहीं बना था। भगवान ने ह्यूमन बींग्स ने एक अच्छी विशेष विवेक बुद्धि दी है, जिससे वो ये पता लगा सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं इसी जीवन में। तो इस प्रकार हम लोग जो जीवन भर उन लोगों को देखते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं या फिजिकल बॉडीली लेवल पर सुख ढूंढ रहे हैं, उनको देखकर हम भी इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है जब तक मेरे पास ये सब नहीं आ जाएगा मैं सुखी नहीं रहूंगा, और हम भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो केवल शरीर के लेवल पर सुख ढूंढते हैं या मन के लेवल पर एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, ये बहुत ऊंचा सुख नहीं है। ये तो पशुओं के जीवन में भी आसानी से मिलता है। अगर मनुष्यों को हायर इंटेलिजेंस मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। बताया जाता है भगवान ने जब ये सृष्टि की और हम सब प्राणियों को यहां पर भेजा, ये सब वो प्राणी थे जिन्होंने भगवान के धाम में रहकर भगवान से विरोध किया या भोग की इच्छा करी, उन सबको संसार में भेज दिया गया। अब इस संसार में आने के बाद सत्युग में लोग बड़े धार्मिक हुआ करते थे, त्रेता में कुछ धर्म कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, और कलयुग में तो लगभग खत्म ही होता जा रहा है। ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलि न राजन नष्ट नशति बलम स्मृति। क्या बोला कि दिन ब दिन कलयुग में धर्म रिलीजियस प्रिंसिपल्स कम होने लगेंगे, सत्यम सत्य खत्म हो जाएगा, क्षमा खत्म हो जाएगी, दया खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जैसे जैसे कलयुग बलवान होता जाएगा क्या होना शुरू हो जाएगा, स्मृति बलम स्मृति खत्म हो जाएगी, बल खत्म हो जाएगा और आयु खत्म हो जाएगी, आयु बलम स्मृति सब कम होने लग जाएगी। ये लक्षण पहले ही 5000 साल पहले लिख दिए गए। 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे और जब अपनी लीला समापन कर आध्यात्मिक जगत में गए वापस, तब परीक्षित महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बने। उसके बाद कई कई और पीढ़ियां आई जिसका श्रीमद् भागवत में 1000 साल तक कौन कौन से राजा होंगे उन सबका वर्णन मिलता है। हिस्ट्री बुक्स में हमें केवल 500, 300, 400 साल के विषय में पता चलता है, लेकिन हिस्ट्री के बुक्स में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो श्रीमद् भागवतम में 1000 राजाएं कौन कौन आए थे, कितने कितने समय तक राज्य किए, उनका भी नाम दिया है। विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, चाणक्य जी आएंगे, अशोका जी आएंगे, सबका लिखा है, लेकिन हम केवल 500 साल का इतिहास पढ़ते हैं स्कूल में। तो जब आर्य वक्त रहा करते थे, जब धर्म के नियम का पालन करने वाले रहा करते थे, तो उस समय लोगों ने जब धर्म का हनाश होने लगा तो लोग इधर उधर जाके बसने लगे, कोई इधर चला कोई उधर चला। भागवतम में वर्णन लिखा है कोई चाइना साइड में गया, कोई अमेरिका साइड में चला गया, कहीं ना कहीं जाके बस गए लोग और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बंद कर दिया और पशुओं की भांति जीने लगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन किसी को पसंद नहीं। ये देखकर भगवान ने जो ब्राह्मण लोग गलत कार्य कर रहे थे, यज्ञ में बलियां दे रहे थे, आहुतियां दे रहे थे, लेकिन सेंस एंजॉयमेंट के लिए, धार्मिक कृत्य नहीं था, तो बुद्ध के रूप में अवतरित होकर भगवान ने उन सबको शिक्षा दी और कहा अहिंसा परमो धर्म, आप लोगों के लिए अहिंसा ही परम धर्म है। और ये शिक्षा दी और सब कुछ बता दिया जीरो है। कुछ समय के बाद शंकराचार्य आए जो भगवान शिव के ही थे, शिव के ही अवतार थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं सब जीरो नहीं है, एक है, हम और वो एक हैं, इस प्रकार की शिक्षा दी। उसके बाद और आचार्य लोग आए, उन्होंने कहा नहीं एक नहीं है, दो हैं, आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते। पानी की बूंद समुद्र मिल जाए तो एक हो जाती है, घड़ा टूट जाए तो आसमान में मिल जाता है, नहीं 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 ये फिलॉसफी उधर मत डालिए,
आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, ये अलग अलग रहते हैं। भगवान ने कहा ममेव वांश जीव लोके जीव भूत सनातना, सनातन अंश है मेरे, सनातन का मतलब था है और रहेंगे, कभी मर्ज नहीं होंगे। और इस प्रकार जहां जहां पर धर्म की हानि हुई तो भगवान ने कभी भविष्य पुराण में लिखा है कि क्राइस्ट यीशु को भेजा अलग प्रकार के ग्रुप को समझाने के लिए, कुछ कमांडमेंट्स दी कि ऐसे जीना शुरू करो। भविष्य पुराण में लिखा है कि मोहम्मद जी को भेजा एक अलग प्रकार के लोगों को समझाने के लिए ताकि वो लोग कुछ शिक्षा का पालन कर सके। तो भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के पूरे संसार में शिक्षा दी, लेकिन अल्टीमेटली सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, आप किसी भी विश्व में जाकर किसी भी ग्रंथ को उठा लें, हर जगह ग्रंथों में भगवान के विषय में लिखा है कि भगवान बहुत महान है, भगवान वो है जिन्हें गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, ये हुआ के नाम से जाने जाते हैं। वो भगवान एक ही है जिन्होंने सारी सृष्टि की, हमें बनाया, अलग नहीं है। उनको भजने के, उनके पूजा करने के रूप अलग हो सकते हैं, निराकार रूप में उनकी शक्ति जो उनके दिव्य शरीर से तेज निकल रहा है, निराकार, कुछ लोग उसके भक्त हैं, निराकार बोलकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग भगवान को परमात्मा रूप में हृदय में देखते हैं, और कुछ लोग साकार रूप में भक्ति करते हैं जो कि भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। इसलिए सभी ग्रंथों में शिक्षा भी यही मिलती है, बताया जाता है कुरान के माध्यम से कि अल्लाह जहां रहते हैं वहां पर ना तो सूरज है और ना ही चंद्रमा, कयामत की रात के बाद जो लोग कलमे पढ़ा करते थे या भगवान की भक्ति करा करते थे, अल्लाह की भक्ति करा करते थे, वो लोग अल्लाह के साथ रहेंगे परमानेंटली जन्नत में। बाइबल में रेवोल्यूशन 22 वर्स 5 में यही बात लिखी है, उसमें कहा है कि जो लोग यीशु की शिक्षा का पालन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मृत्यु के पश्चात वो एक ऐसे धाम में गए जहां ना सूरज है ना चंद्रमा, वहां पर सेल्फ इल्यूमिनेशन है, वहां जाने के बाद व्यक्ति लौटकर नीचे नहीं आएगा। यही बात कुरान में मिलती है कि वहां पर ना सूरज है ना चंद्रमा, और जो वहां जाएगा लौटकर नहीं आएगा। यही बात ग्रंथ साहिब में मिलती है राग गुरुड़ गुरड़ी मोहल्ला हस्पराचार के 5 में कि गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहां सूरज है और ना चंद्रमा, जो लोग वहां चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते। भगवत गीता खोलिए अध्याय 15 श्लोक संख्या 6, ना तद भाषयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। कृष्ण कहते हैं मेरा वो धाम ना तो सूरज से चमकता है ना चंद्रमा से ना बिजली से, और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते लौट कर नीचे नहीं आते, तद धाम परमम मम, वो धाम मेरा है। तो सारी ग्रंथ शिक्षाएं एक ही दे रहे हैं, कोई कहते हैं अल्लाह का धाम है, कोई कहता है गॉड का धाम है, कोई कहता है गोविंद का धाम है, और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा धाम है जो सूरज और चंद्रमा से नहीं चमकता। तो शिक्षा सारे ग्रंथों में एक ही लिखी है, बस समझाने वाले लोग नहीं मिल रहे और ना ही समझने वाले मिल रहे हैं, क्योंकि कलयुग का एक ही धर्म रह गया लोगों का, वो है सेंस एंजॉयमेंट, अपना काम बनता हो वही मेरे भगवान, जो मेरी इंद्र तृप्ति में सेंस एंजॉयमेंट में हेल्प करे वही धर्म अच्छा, जो मुझे रोके नहीं टोके नहीं, जो मैं करना चाहूं कर सकूं वही मैं करना चाहता हूं, बस वो धर्म मुझे पसंद है। तो चाहे किसी भी धर्म में देखें, धीरे धीरे रिलीजियस प्रिंसिपल्स कम होते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, धीरे धीरे रिलीजियस प्रिंसिपल्स कम होते जा रहे हैं, और इस वजह से कलयुग और प्रभावशाली होता जा रहा है और लोगों का धर्म में रुचि खत्म होती जा रही। इसलिए भगवान ने इतना सरल माध्यम दे दिया कलयुग में, अल्लाह के 99 नामों का जो उच्चारण करेगा तो पवित्र हो जाएगा, इतने सुंदर सुंदर नाम है। यह कहानी दूसरा, क्राइस्ट में यीशु ने 10 कमांडमेंट्स में कमांडमेंट दी, दाउ शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तुम्हें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ग्रंथ साहिब में लिखा कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उतरे पारा, और हमारे ग्रंथ बताते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम,
और केवल हरि का नाम ही उद्धार करेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए चाहे कोई किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, उसे चाहिए कि वो उस धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करे अपने ऊपर। अगर मैं मुस्लिम हूं तो 5 वक्त की नमाज अदा करूं, अल्लाह की सारी बातों पर विश्वास करूं और ये जानूं कि अल्लाह मुझे हर समय देखता है हर गलत काम में। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे 10 कमांडमेंट्स माननी चाहिए और मुझे किसी का वध नहीं करना चाहिए, स्लॉटर हाउसेस नहीं खोलने चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए। अगर मैं सिख धर्म में हूं तो नानक देव जी की बात माननी चाहिए, उन्होंने कहा है दुख दरज यम नेड़े ना आवे कहू नानक जो हरि गुण गावे, कि भैया जो हरि का गुण गाएगा उसको ना तो दर्द आएगा ना दुख आएगा और ना यमराज उसके नजदीक आएंगे। कहू नानक जो हरि गुण गावे, और जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म में पैदा हुआ है उसे चाहिए कि वो भी धार्मिक नियमों का पालन करे और शास्त्रों के हिसाब से जिए और कलयुग के युग धर्म का पालन करे। सबसे बड़ी भक्ति तो यही है कि व्यक्ति अपनी देहात्म चेतना से ऊपर उठ जाए, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इन ड्रेसेस को छोड़ दे तो प्यार हो जाएगा भगवान से और लोगों से भी। पूरे संसार में झगड़ा इसी बात का है, धर्म का प्रचार करने वाले ही लड़ा देते हैं ये बोल के कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो। और एक ऐसा कौन सा धर्म है जो पहले ही व्यक्ति को यह बता दे कि तुम शरीर हो और उसके बाद तुम हिंदू या मुस्लिम हो? सच्चा धर्म तो यह सिखाता है तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर आत्मा हो, जिसे हिंदू आत्मा बोलते हैं, क्रिश्चियन सोल बोलते हैं और मुस्लिम रूह बोलते हैं। यह हमारी असली आइडेंटिटी है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। और वो धर्म अच्छा है जो हमारी चेतना को अपलिफ्ट करता है, काम क्रोध लोभ और मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष नफरत अगर भक्ति करते हुए ये सब खत्म हो रहे हैं तो बेस्ट धर्म है, उसको अपनाना चाहिए। सारे प्रश्नों के उत्तर अगर मिल रहे हैं तो सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां माथा नहीं, नहीं, सब दोनों देखो और प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं तो आगे बढ़ो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब एक ही है, एक ही भगवान है, उनको नाम अलग अलग दिए हैं। जिसकी सुबह हम रोशनी लेते हैं उसे हिंदू लोग सूर्य बोलते हैं, अंग्रेज लोग सन बोलते हैं और मुस्लिम लोग उसे सूरज कहते हैं। सर पर 3 नहीं चमकते, कितने चमकते हैं? 1 चमकता है। अब उसको अलग अलग नाम बोलने से अलग अलग भाषा में वो अलग अलग नहीं हो गए, इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी तभी सुख आएगा, शांति आएगी और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा मनुष्य देह मिलने के बाद भी पशुवत जीवन ही रहेगा और रिपीटेडली बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ आता रहेगा। तो इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है नए साल के आगमन पे ऐसा कुछ कमिट करें। हम लोगों ने काउंटर लगाया है, उस काउंटर में आपके पास वहां पर भगवान के नाम की माला मिलेगी और थैली मिलेगी। हर व्यक्ति को चाहिए 1, 2, 4, 6 से शुरू कर दे, और काफी इंफॉर्मेशन है उनके पास, कुछ बुक्स भी हैं तो लेकर जाएं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। और एक मैसेज, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास अपने घर में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उन्हें पढ़ी ना रहने दे, उन्हें पढ़ ले। हमारे जीवन का सुख हमसे केवल उतना दूर है जितनी वो पुस्तक हमारे हाथ से दूर है। जब तक हमने उसे पढ़ा नहीं तब तक हम लोग इस संसार में संघर्ष करते रह जाएंगे। सुख और शांति और संतोष और भक्ति का सच्चा मर्म हमें तब तक, उससे हम उतना दूर है जितना कि हमने उसको खोला नहीं और पढ़ा नहीं। इसलिए वो ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रभुपाद जी के भक्तों ने बहुत मात्रा में लोगों के घर पहुंचा दिए हैं। अब उनको ढूंढिए, निकालिए, खोलिए और पढ़िए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा।